हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा और टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ट्रेडिंग पर्पस से नहीं होते हैं। इनका क्या उद्देश्य होता है? बेसिक पर्पस ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इनका ऑब्जेक्ट ये होता है कि कॉमर्स बिजनेस को या आर्ट को, साहित्य कला को, विज्ञान को, ये क्षेत्रीय या इसी की जो नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं उनके उनको आगे बढ़ाने का ऑब्जेक्ट होता है। इसका उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है। सर्वाइव ऑन डोनेशंस, ग्रेंट्स, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स एंड पब्लिक इन लार्जर। इनका खर्चा कहाँ से चलता है? चूँकि कुछ खर्च करते हैं तो इनका खर्चा कहाँ से चलता है? तो ये सर्वाइव करते हैं दान के ऊपर, डोनेशंस के ऊपर, ग्रेंट्स के ऊपर, चंदे के ऊपर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ये जो इनको मिलता है मेंबर से, जो इनके रेगुलर मेंबर होते हैं या नॉन मेंबर्स होते हैं या लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं या पब्लिक से, इसी तरीके से लोगों से इनको मिलता है और ये उसको खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं अपने इन सब ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए, इन सब ऑब्जेक्ट्स की पूर्ति के लिए, या इनमें से कोई ऑब्जेक्ट्स होता है या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनकी पूर्ति के लिए ये इन तरीके से पैसा पाते हैं और ज़रूरत पे उन फंड्स का यूज़ करते हैं, फंड्स या जो इनकम्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ए क्लब मे रन आ रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, कैंटीन। वैसे तो इनको जो ग्रेंट मिलती है वैसे और उनको ये खर्च करते हैं, लेकिन इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है अर्न करने का, प्रॉफिट को अर्न करने का, लेकिन तब भी ये एक रेस्टोरेंट या हॉस्पिटल या कैंटीन नॉन ट्रेडिंग पर्पस से चलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो प्रॉफिट होता है, बल्कि वो एक्सेस दिखाया जाता है कि एक्सपेंडिचर के ऊपर जो एक्सेस आ गया है, या प्रॉफिट नहीं बल्कि एक्सेस दिखाया जाता है कि एक्सपेंडिचर के ऊपर आया है इनकम का, वो है, ये इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट भी चलाते हैं या हॉस्पिटल चलाते हैं या कैंटीन चलाते हैं, उससे जो भी कुछ इनकम एक्सपेंडिचर से कुछ इनको रिटर्न मिलता है, एक्सेस रहता है एक्सपेंडिचर के ऊपर इनकम का, तो वो होता है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अर्न प्रॉफिट नहीं होता है। कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो इसको करते हैं, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कौन कौन से इसमें किन को शामिल किया जा सकता है? तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और कुछ प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स, वकील, इस तरीके से प्रोफेशनल लोग, या एक्स या जो आपके प्लेयर्स हैं या एक्टर हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो इसको चालू करते हैं, या फिर कुछ इंडिविजुअल लोग जिनका ऑब्जेक्ट हो ये हो उसको लेके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बना लें और उसको कर अपने एक ऑब्जेक्ट से उसको कुछ ग्रांट लेके आगे कैरी ऑन करें। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो इसको आगे ले जाते हैं और चलाते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को लाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर कहते हैं ICAI या क्या कहते हैं ICWAI, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इन ये अकाउंटिंग क्या करें और किस लिए करें? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, इंस्टीट्यूशन भी होती हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं। तो क्या अकाउंटिंग करे? तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि इनके हाथ में किस में इस इनके हाथ में साल के आखिर में क्या पैसा है, तो बैलेंस ऑफ कैश देखने के लिए। तो किस किस सोर्स से पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ वेरियस अमाउंट्स रिसीव्ड, या किन किन मदों में खर्च किया जा रहा है, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जिससे कि ये देख सकें। तो इन चीज़ों के ऑब्जेक्ट के लिए ये अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं और बैलेंस ऑफ कैश देखते हैं या हेड्स देखते हैं कि किस हेड्स में पैसा खर्च हो रहा है, या सोर्स क्या है इनकम के वो देखते हैं, सोर्स क्या है जो अमाउंट रिसीव के, इनकम के नहीं, अमाउंट रिसीव के लिए जो कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इस लिए ये अकाउंटिंग करते हैं, तभी तो अगर इनको पता होगा कि इतने पैसे हैं तभी वो खर्च कर सकेंगे, और किन किन मदों में खर्च रहा है, क्या वो सही हैं गलत हैं, उस तरीके से ब्यौरा भी देख सकेंगे, कितना हाथ में पैसा है उसको भी देख सकेंगे। अच्छा, क्या क्या हेड्स हैं इनके रिकॉर्ड करने के लिए एंट्रीज को? तो रिकॉर्ड्स इन जनरल, जो इनके पास पैसा आता है,
कैश रिसिप्ट इन जनरल बनाया जाता है, जो जो नकद पैसा खर्च किया जाता है वो कैश पेमेंट इन जनरल में किया जाता है, जो कैश से रिलेटेड नहीं होते हैं वो अदर जनरल में लिखे जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स इन जनरल प्राइमरी चीज हो गई। उसके बाद चूंकि ये डे टू डे होता है, ये कैश बुक की तरह होता है, इसका कंसोलिडेशन एक प्रिपरेशन और रिसेट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर सारी ये डे टू डे होता है और ये कंसोलिडेटेड होता है, पूरे ईयर का एक पीरियड का होता है, उसके अंदर ये तिथि वार नहीं बल्कि कंसोलिडेटेड एक साथ बना लेते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन अलग अलग डेट में आएगा तो अलग अलग लिखा जाएगा, इसमें इसमें कंसोलिडेटेड लिखा जाएगा हेड बना के, ठीक है। तो एक ये हो गया, और इसके बाद रिकॉर्ड्स की जाते हैं लेजर में, रिकॉर्ड्स इन लेजर में की जाती है, पोस्टिंग की जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा लेजर के बाद आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट, फिर लेजर, फिर इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनते हैं, फिर बैलेंस शीट बना के आप पोजीशन देखी जाती है कि क्या स्थिति है ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरीके से हम एक प्राइमरी इसकी ये ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रीफेस प्राइमरी चीज एक थ्योरी बता दी कि क्या होता है ये, ठीक है। आगे के वीडियो में और कुछ अकाउंटिंग कैसे करेंगे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, रिसेट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे उसकी एंट्रीज की जाएंगी उसके अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।